बात करते हैं झारखंड की, बात करते हैं झारखंड में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के समापन की, बात करते हैं प्रधानमंत्री के सौगातों की। खुद प्रधानमंत्री हजारीबाग पहुंचे तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा का समापन हो गया। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित महासभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर भी जमकर बरसे। बता दें कि 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली यात्रा दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता झारखंड में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। सभी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही हेमंत सरकार पर भी निशाना साधने का काम किया। ये सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा। विकास के लिए, जन जन के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस यात्रा को झारखंड की माताओं बहनों का स्नेह मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जन समर्थन मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विकास के लिए परिवर्तन, हर घर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर घर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए परिवर्तन। प्रधानमंत्री के इस महासभा के संबोधन पर, चाहे बीजेपी परिवर्तन यात्रा के समापन पर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री अटैकिंग मूड में नजर आए, जिस तरह से बिल्कुल मूड में नजर आए, पहले उन्होंने कहा कि हम आज बहुत बोलने वाले हैं और फिर आकर उन्होंने जमकर निशाना साधा और दूसरी तरफ सौगात दिया। और अगर देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव है, मतलब कह सकते हैं झारखंड में सियासत की सारी बिसात बिछ गई है। आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी चाल चल दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से ये शंखनाद विधानसभा चुनाव का कर दिया है हजारीबाग की धरती से। हालांकि हजारीबाग में वो कई योजनाओं की सौगात भी दी है झारखंड को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चलाई जा रही थी, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज आखिरी दिन था। अगर यात्राओं की बात करें तो झारखंड में यात्राओं की बाढ़ सी है। हर एक राजनीतिक पार्टी हर यात्रा की शुरुआत की है। अगर राजस्व की बात करें, जो बीजेपी गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, वो झारखंड नवनिर्माण यात्रा चला रहे हो। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी आज चुनावी यात्रा की शुरुआत कर दी है। उसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी मैया सम्मान यात्रा चला रही है। हालांकि नवरात्रि बाद से फिर उसका सेकेंड फेस स्टार्ट होगा। अभी तक 2 प्रमंडल में यात्राएं संपन्न हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी हो या जो अन्य दल हैं, सत्ता दल हो या गठबंधन में जो बीजेपी के साथ दल हो, सभी यात्रा चलाकर झारखंड के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। और एक कोशिश हो रही है कि जो झारखंड के वोटर हैं, विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही महीने में होने हैं, उस विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित किया कैसे किया जाए, उन वोटरों को कैसे साधा जाए, इसकी कवायद की गई। हालांकि बीजेपी ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी और उसका फायदा फलाफल कितना होगा वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन बीजेपी की ओर से इस यात्रा के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन किया गया है। अलग अलग स्टेटों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा रहा है और अंत में देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको हजारीबाग बुलाकर एक संदेश देने का काम झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी ने किया है। हालांकि अब वक्त तय करेगा कि बीजेपी के इस परिवर्तन यात्रा को राज्य की जनता का कितना समर्थन मिलता है। हालांकि अब कांग्रेस ने भी चुनावी यात्रा की शुरुआत की है, अब देखना होगा कांग्रेस की इस यात्रा का कितना फलाफल मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से दम भर रहा था परिवर्तन के यात्रा के माध्यम से, उसे कोशिश थी है कि सत्ता में वो परिवर्तन करेगा, सत्ता में वापसी करेगा, लेकिन
अभी तक की जो सिनेरियो हम कह सकते हैं कि वैसे नहीं बन पा रहा है जैसा कि बीजेपी ने पृष्ठभूमि तैयार की थी, क्योंकि मैया सम्मान योजना के बाद से लगातार सरकार की ओर झारखंड के की महिलाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही वो विश्वास सरकार दिलाने में कहीं ना कहीं फिलहाल कामयाब दिखाई दे रही कि महिलाओं की अगर मान सम्मान की बात की जाए तो वो गठबंधन सरकार ने ही सोची है। अब देखना होगा इस कार्ड के, इस जो सरकार का जो कार्ड खेला गया है, एक बड़ा कार्ड है, उस कार्ड का कार्ड क्या लेकर बीजेपी आती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हजारीबाग की धरती पर झारखंड के पूरी जनता को संबोधित किया है और जिस तरह के उद्भेदन उन्होंने किया अपने भाषण में, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री ने एकजुट होकर बीजेपी को समर्थन देने के जनता से आह्वान किया। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि परिवर्तन यात्रा का खासा असर झारखंड की जनता पर फिलहाल दिखाई देता नहीं दे रहा है। जी तो राहुल, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आई, बीजेपी अपने मूड में नजर आ रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हमलावर नजर आए और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल निशाना साधा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां की सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सब पर उन्होंने हमला किया। लेकिन फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीरें बदलती हैं, वोटर्स जो है वो क्या डिसाइड करते हैं, वो किसको वोट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।